के लिए मैं मीडिया के बंधुओं का सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस के अंदर यहाँ इस प्रेस वार्ता को कवर करने के लिए आए। आज की प्रेस वार्ता एक बहुत ही गंभीर विषय पे है। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि परसों एक ऑर्डर आया कि यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर के लोगों पे लगा दिया जाएगा, थोप दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और हम ये मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग अभी इस हालत में नहीं है कि इस तरह का कोई भी टैक्स दे सकें। देखिए, हमारा ये मानना है कि 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर अपनी बहुमत के साथ सरकार बनाई, उसके बाद इस तरह के परिस्थितियां जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे देश के अंदर बना दी गई कि लोग आज घबराए हुए हैं। लोगों के अंदर आज एक टैक्स टेरर जो है वो बना हुआ है। जिस तरह से विभिन्न टैक्सेस के द्वारा जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी उसका कड़ा विरोध करती है। हमारा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर पिछले 30 सालों से जिस आतंकवाद के दौर से गुजरा है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत कुछ सहा है, बहुत दर्द और पीड़ा सही है। उस दर्द और पीड़ा को अगर भारतीय जनता पार्टी समझती तो इस तरह का कोई भी टैक्स लगाने से पहले उसने विचार किया होता। आज ये हमें एक और तोहफा हमारी यूटी बनने के बाद दिया गया, जब इन्होंने 370 तोड़ी और हमारी स्टेट का खंड खंड कर दिया और हमें यहाँ पे यूटी बना दिया गया जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। केंद्र द्वारा आज इस तरह की नीतियों का जम्मू की कश्मीर की तरफ लागू करना, ये साफ बताता है कि जम्मू कश्मीर को जो केंद्र है वो एक द्वेष की नज़र से देखता है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कहना चाहती हूँ और बहुत दृढ़ होकर अपनी बात को रखना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए कुछ दिनों पहले रविंदर रैना जी जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का और मेयर ऑफ जम्मू इकट्ठे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर एक वार्ता करते हैं और वहाँ ये सबको बताते हैं कि इस तरह का कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर नहीं लगेगा और फिर उसके बाद ये टैक्स लग जाता है। हमें तो दया आती है जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जम्मू कश्मीर की लीडरशिप के भी ऊपर, क्योंकि उनको भी ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। जब वो अपनी भारतीय जनता पार्टी की यूनिट जो जम्मू कश्मीर की है उसको वो सीरियसली नहीं लेते, तो आप सब ये समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को वो किस नज़र से देखते होंगे। वो सेकंड क्लास सिटीजन की नज़र से जम्मू कश्मीर को देखा जा रहा है और आज जिस तरह से डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है, हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, आज ये जो कानून है जो लागू किया गया है कि प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ लगाया जाएगा 1 अप्रैल के बाद, इस तरह का कोई भी कानून बनाने का जो राइट है वो यहाँ की पॉपुलर सरकार को होता है। चुने हुए नुमाइंदे ऐसे टैक्सेस को अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। नुमाइंदों की नामौजूदगी में यहाँ LG शासन जो राज कर रहा है और बाबूशाही जो बाहर से आके यहाँ बैठी है, इस तरह के टैक्स जम्मू कश्मीर की जनता पे थोप रही है, इसका हम कड़ा विरोध भी करते हैं और ये बहुत निंदनीय है। बहुत दुखद है कि जम्मू कश्मीर जिसने 25 MLA जम्मू के लोगों ने उन्हें चुन के भेजा यहाँ से, आज वो बात करने लायक भी नहीं छोड़ा उन लोगों को। कल मैं देख रही थी कि कुछ मीडिया के बंधु जब बात करना चाहते थे रविंदर रैना जी से, वो मुंह छुपाते फिर रहे थे और किस तरह से आपकी माइक को फेस नहीं कर पा रहे थे। ये वही रविंदर रैना जी हैं जो एक मौका भी नहीं छोड़ते हर बात पे आपसे बात करने का। तो आज जो परिस्थिति जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने बना के रख दी है भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र ने, उस परिस्थितियों का हम कड़ा विरोध करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले यहाँ टोल टैक्स लगाया, GST को जिस तरह से व्यापारियों पे थोपा गया, उसके बाद हमारे स्मार्ट मीटर्स द्वारा बिजली का टैक्स बढ़ा दिया गया, पानी पे टैक्स लगा दिया गया, आज प्रॉपर्टी टैक्स, अब हवा पे टैक्स लगाना बाकी है। हम भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के शासन को कहना चाहते हैं, आपने क्योंकि अडानी को और अंबानी को सारा पैसा देना है और आपने अपने मित्रों को मदद करनी है ताकि वो आपके चुनावों में आपको फंडिंग कर सके, तो आपने ये जो खजाना आपका खाली हो रखा है उसको भरने के लिए आज आपने जनता पे ये सारी मार डाली है। हमारा ये उन पे आरोप है कि ये जो टैक्स लगाया गया है ये सीधा सीधा जो आज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी कि अडानी को 2000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया गया और किस तरह से SBI और हमारे इवन जम्मू कश्मीर बैंक से पैसा लेके अडानी को दे दिया गया, हमारा ये मानना है कि उसी की भरपाई है जो आज सीधा भार हमारे गरीब जनता पे डाला जा रहा है। हमारा ये भी मानना है कि केंद्र जो मोदी जी हैं वो गरीब गरीब करके जनता के बीच में आए थे, लेकिन आज उसी गरीब को लूटने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो 450 का सिलेंडर था, आज उस सिलेंडर को 1150 का हो गया, मोदी जी उस पर बात नहीं करते। खाने का तेल 70 रुपए से उठा के
आपने 110 का कर दिया, पेट्रोल डीजल की कीमतों को आपने आग लगा के रख दी, गरीब को आप खत्म और कुचलना चाहते हैं, आप गरीबी खत्म नहीं करना चाहते। हम आज आपके माध्यम से एलजी साहब को ये कहना चाहते हैं कि एलजी साहब आपको ऑन मॉरल ग्राउंड्स रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी आपने एम्प्लॉयमेंट किसी युवा को दी नहीं, बेरोजगारी की दर जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंची है, आज युवा बेरोजगार है और आप टैक्सेस देते हैं, आपकी कोई भी लिस्ट क्वैश हो जाती है, कोई भी लिस्ट नहीं निकलती जिसमें आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके घोटालों के चलते। तो जो घोटालों की आप सरकार बना रहे हैं, कृपा करके आप घर वापसी करिए, क्योंकि जो एलजी है आप सब जानते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही नुमाइंदे हैं। हमारा ये मानना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर को चला रही है, इस तरह से हम नहीं चलने देंगे। आज हमने आपके द्वार माध्यम से